नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। शहीद राहुल कुमार का पार्थिव शरीर भागलपुर पहुंचते ही विधायक सहित अन्य लोगों में पुष्प गुच्छ अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। शहीद राहुल अमर रहे और भारत माता के जयकारों से गूंजा पूरा शहर। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत के रामपुर गांव के रहने वाले स्वर्गीय जीवन सिंह के 34 वर्षीय पुत्र आर्मी के जवान राहुल कुमार का उत्तराखंड में बर्फ के भूस्खलन में शहीद होने पर उनका पार्थिव शरीर गांव में पहुंचने के बाद गांव के लोगों द्वारा श्रद्धांजलि देते हुए गांव से शहीद राहुल कुमार का काफिला भारत माता के जयकारों एवं शहीद राहुल कुमार अमर रहे का नारा लगाते मोटरसाइकिल जुलूस सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पहुंचने पर विधायक प्रोफेसर डॉ ललित नारायण मंडल, डीएसपी डा गौरव कुमार, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, भाजपा नेता नवीन कुमार बन्नी, संजय कुमार चौधरी, सुभाष पोद्दार, वार्ड पार्षद पंकज कुमार यादव सहित इत्यादि लोगों ने शहीद राहुल कुमार को पुष्प गुच्छ अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दिए। साथ ही आर्मी के दर्जनों जवानी ने गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए शहीद राहुल कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए सलामी दिए। इस दौरान शहीद राहुल कुमार के छोटे भाई रोहित कुमार के द्वारा मुख्य अग्नि देकर अंतिम विदाई दी। इस दौरान रामपुर गांव के ग्रामीण एवं सुल्तानगंज शहर के गणमान्य लोग सहित पुलिस कर्मी मौजूद थे। भागलपुर से विक्रम कुमार भगत की रिपोर्ट। हमारे शहीद श्री राहुल कुमार सिंह जी की शहादत को पूरा देश याद रखेगा और इनकी शहादत को मैं सत नमन करता हूँ और यह पूरे देश के लिए और एक मैसेज है कि अपने देश की रक्षा के लिए हम लोग सदैव आगे रहें।